कहिंदे जिहड़ा निर्मल पंथ गुरु नानक साहब ने आरंभ किया है ना, उस निर्मल पंथ दे वास्ते तह कारण कीजे अब ग्रंथ, जिहदे लड़ लाउणा है पंथ नूं उहदे वास्ते हुण ग्रंथ चाहीदा है। दुनिया के जिन्ने धर्म उहनां दे कोल अपना अपना ग्रंथ है, सतगुरु कहिंदे हुण इस पंथ दे कोल भी अपना ग्रंथ होवे, ते उह ग्रंथ जिहड़ा लाही गुरबाणी है, लाही ज्ञान है, जिहदे विच दुनिया की कोई मिलावट नहीं, दुनिया का कोई रहबर, दुनिया का कोई पैगंबर अपने हथी अपनी दित्ती सिक्ख्या नहीं लिख सकिया। गुरु अर्जन साहब महाराज कहिंदे ने अपने हथी उस बाणी नूं संपादित करना है। एक वड्डा कारण बनिया उस वक्त, कारण की बनता है, गुरु अर्जन साहब महाराज की विरोधता करते हैं बाबा पृथ्वी चंद जी, गुरु अर्जन साहब महाराज के वड्डे भराता है, जदों विरोधता करते हैं ना, तो विरोधता करद्या करद्या बाबा पृथ्वी चंद कहिंदे ने वह जेड़ा गुरता गद्दी ते बैठदा है वह बाणी लिखदा है, क्यों ना जे मैं नहीं लिख सकिया तो मेरे तो बाद मेरा पुत्र बाणी लिखे तां कि लोग मान लैन भी असली गुरु जेड़ा मेरा पुत्र है। उन्हें अपने पुत्र नूं खड़िया किसी विद्वान दे कोल, हर तरह की भाषा पढ़ाई गई, पहलां अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, सारे तरह की भाषा जिहड़ी पढ़ाई गई। फिर उस तों बाद बाबे पृथ्वी चंद ने अपने पुत्र नूं पिंगल पढ़ाया। पिंगल वह होंदा जिहदे आधार ते कविता लिखी जाती है, कविता दीआं किन्नीआं मात्रा ने, उहदे विच किन्ने अक्खर है, वह जिहदे आधार ते लिखिया जाता उहनूं पिंगल कहिंदे है। फिर उहनूं पिंगल भी पढ़ाया गया, फिर किया बाबे मेहरबान ने उही काम, बाबे मेहरबान ने लिख लिया महला छेवां पंजवें सतगुरु तक, तो गुरु अर्जन साहब महाराज है ना, हालांकि बाबा पृथ्वी चंद कहिंदा रहा सारी उम्र मैं पंजवां गुरु हाँ, बाबे मेहरबान ने लिख लिया महला छेवां, तो अपने कोलों मन करत कवितावां लिखणियां शुरू करतियां, मगर मोर लाती नानक नाम दी, जिवें नानक शब्द गुरु नानक साहब वरतदे रहे, जिमें बाकी गुरु साहबान वरतते रहे, इदा ही बाबे मेहरबान ने भी अपने मगर लिख लिया नानक। मैनू खिमा कर दियो, अज बहुत इदा दियां मन घड़त तुकां सिख जगत पढ़ता है जिहड़ियां बाबे मेहरबान ने लिखिया है, सिखां नूं पहचान ही नहीं आ सकी, हालांकि गुरु साहब ने अपने सिख नूं हंस बनाया है। हंस की बिरती यह होंदी है कि जदों किते उह दुध दे विच अपनी चुंझ पाउंदा है ते दुध च मिलावट होई होवे पानी छड़ दिंदा ते दुध दुध दीआं फुटियां जिहड़ियां चुक के चल जांदा। सतगुरु ने बनाया सी सिख नूं हंस, पर वह हंस जिहड़ा है ना अज उह दुध भी नाल ही पी जांदा, फुटियां ते वक्खरी गल है। अज पढ़ी जाने गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी अंदर जिहड़ियां बाबे मेहरबान दीआं लिखियां तुकां है, साढ़े घरां दे विच आनंद कारज दे कार्ड आउंदे है, उन्हां दे उपर लिखिया हुंदा सतगुर दाते काज रचाया अपनी मेहर कराई, दासां काज आप सवारे ए उस दी वडियाई, ए उन्हां ही लोकां लिखिया जिन्हां ने गुरु की रीस कीती है। आ साढ़े आम करके ट्रैक्टर ट्रालियां ते लिखिया हुंदा है कबीर जब हम आए जगत में, जग हसे हम रोए, फिर ऐसी करनी कर चले हम हसे जग रोए। बाबा कबीर साहब के 243 श्लोकों के किधरे भी ये श्लोक नहीं है, ये उन्हें ही लिखे जिन्हें ने गुरु की नकल की है। पढ़ी जाने नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नानक नाम की मोर ला के गुरु घर के विरोधियों ने सारा कुछ लिखा है। साढ़े को बाणी है गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी, गुरु अर्जन साहब महाराज कहिंदे ने ऐ मेहरबान कल नूं रला गंढ कर देवे, रला पा देवे, साढ़े इतिहासक ग्रंथां दे बोल है, वह कहिंदे ने मेहरबान पुत्र पृथ्वी का कबीशरी करे, हिंदवी, फारसी, संस्कृत नाले गुरमुखी पढ़े, तिन पी बाणी बहुत बनाई, भोग श्री नानक जी का पाए। बड़ी कविता लिख ली उन्हें, मगर मोर लाती नानक नाम दी। गुरु अर्जन साहब महाराज ने उस वक्त भाई गुरदास साहब जी नूं, बाबा बुढ़ा साहब जी नूं अपने कोल बुलाया, ते पहले नंबर ते बाबा बुढ़ा साहब जी नूं कहा, बाबा जी जिथे बैठ के असी संगत नूं उपदेश दिंदे सी ना, अज तो बाद उत्थे बैठ के तुसी संगत नूं उपदेश दिया करना है। बाबा बुढ़ा साहब कहिंदे महाराज मैं तुहाडी जगह ते बैठ के उपदेश देना है? गुरु अर्जन साहब महाराज कहिंदे हाँ बाबा जी, ये साडा हुक्म है कि तुसी साडी जगह ते बैठ के संगत नूं उपदेश दिया करना है। भाई गुरदास साहब कहिंदे महाराज मैनू की हुक्म करना है?
गुरु अर्जन साहब महाराज कहिंदे ने कि भाई गुरदास साहब जी तुसीं इस बाणी नूं लिखण दा कार्ज करना है। गुरु अर्जन साहब महाराज ने अमृतसर साहब तो ऐन बाहरले पासे रामसर सरोवर के कंढे दे उपर तंबूल वाले सतगुरु उत्थे आण के विराजमान हो गए। सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज पवित्र गुरबाणी नूं लिखवाउंदे है ते नाल नाल भाई गुरदास साहब लिखदे है ते भाई बन्नो जी कलमा कढ़ के दिंदे है। एक ओंकार तो बाणी लिखणी रंभ कीती है। जदों एक ओंकार तो बाणी लिखणी रंभ कीती पहला नितनेम दीआं बाणियां लिखियां गईआं फिर श्री राग तो बाणी लिखणी रंभ कीती ते लिखदिआं लिखदिआं सतगुरु ने 30 रागां दे विच गुरबाणी लिख दित्ती। इहदे विच 22 वारां दर्ज कीतीआं गईआं। वारां दे नाल वारां जिहड़ीआं पौड़ियां दा रूप हुंदीआं केवल पौड़ियां नूं वारां कहिंदे आ पर सतगुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज ने उन्हां पौड़ियां दे नाल किसी पौड़ी नाल 2 किसी नाल 3 किसी नाल 1 उहदे नाल श्लोक दर्ज कीते ते जिहड़े श्लोक वारां दे विच दर्ज करन तो बाकी बच गए सन सतगुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब दी समाप्ति दे उपर शरलेख लिखिआ श्लोक वारां ते वधीक वारां दे नालों वधे होए श्लोक। फिर सतगुरु ने सारे श्लोक उत्थे दर्ज करते सारी गुरबाणी नूं दर्ज किया गया ते दर्ज करके सतगुरु ने अखीर ते एक मोहर लाती मुदावणी। मुदावणी दा अर्थ हुंदा मुंद देना। ऐ मुंद तां बंद करता इस दे विच हुण कोई वाद घाट नहीं हो सकती। समाप्ति दे उपर सतगुरु ने शुकराने दा श्लोक उच्चारण किया परमात्मा जी मेरे विच कोई ताकत नहीं सी मैं इन्ने वड्डे ग्रंथ की संपादना कर दिंदा ये कार्ज तुसी आप कराया है तेरा किया जा तो ना ही मैनू योग कीतो है। सतगुरु साहब जी ने समुचे ग्रंथ की संपादना की फिर इहदा तत्करा लिखिया गया। एक तत्करा है शब्दां दा तत्करा एक तत्करा है रागां दा तत्करा। सतगुरु ने रागां ते शब्दां दा 2 तरह दा तत्करा लिखिया इहदा ते फिर गुरु अर्जन साहिब महाराज ने इस ग्रंथ साहिब दी जिल्दबंदी करवाई है। जिल्दबंदी करवाउण तो बाद अज सतगुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज ने सारियां संगतां नूं सुनेहा भेज के रामसर सरोवर के कंढे दे उपर सद लिया है। सारियां संगतां जिहड़ियां रामसर सरोवर के कंढे दे उपर आण के विराजमान होईआं रात पई है आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सरूप मंजी साहिब के उपर शोभायमान किया है। बाकी सारी संगत थले लिटी हुई है भुंजे लम्मे पई है ते सारी संगत दे विच संगत दा मुखिया अज गुरु अर्जन साहिब महाराज संगत विच टहलदे फिरदे है। इउं लगदा है जिवें कुछ लभ रहे होण सचमुच अज गुरु अर्जन साहिब महाराज कुछ लभ रहे सन। की लभ रहे ने सतगुरु सोच रहे ने कहिंदे भी इस ग्रंथ साहिब दी ताबिया दे विच किहनूं बिठाईए। पहला सतगुरु दा ख्याल जांदा है बेदियां दे वल जिहड़े गुरु नानक साहिब दी कुल विचों सन। इतिहास आखदा कहिंदे फिर गुरु अर्जन साहिब महाराज का ख्याल जांदा है तिरणा दे वल जिहड़े गुरु अंगद साहिब महाराज की कुल विचों सन। फिर सतगुरु का ख्याल जांदा भल्लियां दे वल जिहड़े गुरु अमरदास महाराज की कुल विचों सन। ते फिर सतगुरु वेखदे है सोढ़ियां दे वल पर वेखण तो बाद मन विच इक ख्याल करदे है कहिंदे मता किते कल नूं इह कहिण ग्रंथ दे मालक ही असीं आ मालक ही बन के बैठ जांदे हो। साडा इतिहास कहिंदा है कि फिर गुरु अर्जन साहिब महाराज कहिंदे नहीं श्री नानक को दर्शन कीन आस बुढ़ा विच सेवा प्रवीण। कहिंदे जिन्हें 5 गुरुआं दी सेवा कीती होवे जिन्हें 5 गुरुआं दे सामने घालना घाली होवे जिन्हें आदि गुरु गुरु नानक साहब तो लैके दर्शन किए होण इहदे तो वड्डा कमाई वाला कोई नहीं हो सकता। कल नूं इस ग्रंथ साहिब दी ताबिया दे विच बाबा बुढ़ा साहिब ही बैठणगे। अज 1 सितंबर सन 1604 दा ओह दिन चढ़िया है गुरु अर्जन साहिब महाराज ने बाबा बुढ़ा साहिब नूं आवाज़ दे के 98 साल दा बजुर्ग बाबा सतगुरु दे सामने आया है। महाराज ने पीड़ा साहिब दे उपर सुशोभित किया होया आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का सरूप चुकवा के बाबा बुढ़ा साहिब के सीस के उपर शोभायमान कर दिता।
अपने हाथ विच सतगुरु ने चोर साहब फड़ लिया है। बाबा बुढ़ा साहब आखदे कहिंदे महाराज चलो अगे अगे गुरु चलता है मगर संगत आउंदियां है। गुरु अर्जन साहब महाराज कहिंदे हाँ बाबा जी तुसी ठीक कहिंदे हो अगे अगे गुरु चलता है मगर संगत आउंदियां है। अज गुरु वो है जो आप दे सीस ते शोभायमान है। अज आप जी अगे अगे चलोगे अगे अगे बाबा बुढ़ा साहब चलते हैं मगर गुरु अर्जन साहब महाराज अपने हाथ विच चोर साहब पकड़ते हैं ते मगर फिर संगतां शब्द पढ़दियां आ रही हैं ते गुरबाणी दे शब्द गायन करद्या करद्या रामसर सरोवर दे कंडे तो चल के सतगुरु पहुँचे ने श्री दरबार साहब दे अंदर हरिमंदर साहब दे अंदर। उत्थे आण के आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब दे सरूप नूं शोभायमान किया गया। संगतां मन विच सोचदियां है आ ताबिया दे विच गुरु अर्जन साहब खुद बैठणगे पर इह किड्डा वड्डा दयालू सुभा सतगुरु दा जिदन शहादतां देण जाणा होवे उदन ते सतगुरु आप अगे लाके जांदे है ते जिदन माण दे के नवाजना होवे उदन अपने सिखां नूं दिंदे है। सतगुरु साहब जी ने बाबा बुढ़ा साहब नूं कहा बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ लेहो आवाज सुने सब पंथ। ते जदों फिर बाबा बुढ़ा साहब ताबिया दे विच बैठ के अदब संग तब ग्रंथ सो खोला ले आवाज बुढ़ा मुख बोला। बाबा बुढ़ा साहब ताबिया विच बैठ के बड़े अदब सत्कार नाल प्रकाश करके ते अपने मुख तो बोलते हैं कि बोलते सूही महला पंजवां संतां के कारज आप खलोआ हर काम करावन आया राम तरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम। जदों पावन मुख वाक लिया गया फिर गुरु अर्जन साहिब महाराज संगतां नूं उपदेश दिंदे है। की उपदेश दिता जांदा सतगुरु दे वल्लों? महाराज कहिंदे ने गुरु के सिखो जिहड़ा शरीर है ना वह एक वक्त इको थान ते हो सकता है पर आ जो शब्द है ना ये एक वक्त सारिया थावां ते हो सकता है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी का पावन बचन भी आप पढ़ते हैं। महाराज कहिंदे ने जेता कीता तेता नाओ विण नाम है ना ही को थाओ मैं जिधर वेखदा उधर ही नाम है उधर ही शब्द है नाम तो बिना दूसरी थां ही कोई नहीं। फिर सतगुरु अगली गल कहिंदे कहिंदे गुरु के सिखो इस ग्रंथ नूं मेरा हिरदा करके जाने हो जे। ते उत्थे जो उपदेश दिता सतगुरु ने कवि संतोख सिंह जी कलम बंद करके लिखते हैं वह कहिंदे ने ग्रंथ रिदा गुर को यह जानो इनू गुरु का हिरदा करके जाने हो गुरु के सिखो। सिखा ने हाथ जोड़ के आख्या कहिंदे सतगुरु इस ग्रंथ साहब का सुख आसन कित्थे करना है? ते गुरु अर्जन साहब महाराज कहिंदे ने कोठा साहब वाली जगह दे उपर जदों अमृत सरोवर तैयार किया गया सी ना ते सरोवर दे विच्चों जिहड़ी मिट्टी नूं कढ़िया गया उहदे नाल सतगुरु ने एक कच्चा कोठा जिहड़ा है वह तैयार किया सी ते सतगुरु उत्थे आप बराजिया करदे सी ते महाराज कहिंदे उस कोठा साहब वाली जगह ते साडे वाला पलंग हटा दिओ ते गुरु ग्रंथ साहब वास्ते उत्थे पलंग ला दिओ उत्थे ग्रंथ साहब का प्रकाश उत्थे होया करेगा। सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज कहिंदे ने कोठा साहब वाली जगह ते इहदा सुख आसन करना है। अज भी जदों अमृत वेले श्री दरबार साहब दे अंदर प्रकाश किया जाता ना गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का तो पावन सरूप कोठा साहब वाली जगह तो लैके आए शाम जो सुख आसन हों उदों वह महाराज का सरूप दोबारा फिर कोठा साहब वाली जगह के उपर विराजमान करके आए। वह कोठा साहब अजकल श्री अकाल तख्त साहब के अंदर ही शोभायमान है।